हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंटिन्यू लेक्चर दैट इज़ कॉगुलेशन टेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉगुलेशन टेस्ट में पीटी टेस्ट को कवर किया था डिटेल में, और आज के लेक्चर में हम कॉगुलेशन टेस्ट में एपीटीटी टेस्ट यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि हम कॉगुलेशन टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या ज़रूरी है हमारे लिए। जब भी हमें कभी कट लगता है, कहीं इंजरी होती है हमारी बॉडी में, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते होंगे कि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, खून निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है? जब भी हमें कभी इंजरी होती है, खून निकलता है, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो उस साइड पर आती हैं और एक टेम्प्रेरी प्लग बनाती हैं। और फिर सेकेंड स्टेप में जो हमारी बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो चेन वाइज एक्टिवेट होते हैं, एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, और जो टेम्प्ररी प्लग था उसको वो एक परमानेंट प्लग बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो बॉडी से ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो ये होता है एक नॉर्मल कॉगुलेशन मैकेनिज्म जो सभी की बॉडी में होता है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर में डेफिशिएंसी आ जाए, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, या फिर किसी भी फैक्टर में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो जब भी कभी बॉडी में इंजरी होगी, खून निकलना शुरू होगा, तो वो ईजिली स्टॉप नहीं होगा और ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी, क्योंकि जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये चेन वाइज एक्टिवेट होते हैं और ब्लड को क्लॉट करते हैं। बट किसी भी एक फैक्टर में डिफिशियंसी आ जाएगी तो जो एक्टिवेशन है वो स्टॉप हो जाएगा और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो यही चेक करने के लिए कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से किसी फैक्टर में कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, यही चीज़ चेक करने के लिए हम PT-APTT टेस्ट को करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीटी टेस्ट को कवर किया था और आज के लेक्चर में हम एपीटीटी टेस्ट को कवर करेंगे। देखिए, कॉगुलेशन का जो पाथवे होता है वो दो मैकेनिज्म से मिलके कंप्लीट होता है, एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म और एक एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। दोनों ही मैकेनिज्म जो हैं वो कॉमन पाथवे में आके जो है मर्ज हो जाते हैं, और इस तरीके से कॉगुलेशन का जो पाथवे है वो कंप्लीट होता है। जो पीटी टेस्ट होता है, PT-INR टेस्ट, वो मेनली कॉगुलेशन के एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर 7 इन्वॉल्व है, और जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर 12, 11, 9 और 8 को मेजर करता है। कॉगुलेशन के इस पाथवे में एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या मेन डिफरेंस होता है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, इंजरी के दौरान क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स की इनर लेयर होती है जो कॉलेजन की बनी होती है, जिसे रेटिकुलम लेयर बोलते हैं, तो जब वो डैमेज होती है लेयर, तो जो कॉलेजन है वो एक्सपोज हो जाता है। जैसे ही कॉलेजन एक्सपोज होता है, फैक्टर 12 जो है वो कॉलेजन के कॉन्टैक्ट में आता है और स्टिमुलेट हो जाता है, और फिर आगे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। जैसे जो फैक्टर 12 है वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा, 11 जो है वो 9 को एक्टिवेट करेगा, 9 जो है वो 8 को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरीके से जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो कंप्लीट होगा। तो हम इस पाथवे को इंट्रिंसिक पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लेयर है वो जब डैमेज होती है तो कॉलेजन एक्सपोज होता है और फैक्टर 12 उस कॉलेजन की कॉन्टैक्ट में आके स्टिमुलेट होता है, और फिर आगे जो अदर फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते जाते हैं। तो ये था इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। जो सेकंड है वो है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। देखिए, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या होता है, जब भी हमें कभी इंजरी होती है तो सिर्फ कभी भी ब्लड वेसल्स में डैमेज नहीं होता, उसके आसपास जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, वो भी इंजर्ड होते हैं। तो जब टिश्यू डैमेज होंगे तो उनसे एक फैक्टर रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर, जिसको हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। जैसे ही टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा वो फिर आगे फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा, और फिर ये जो प्रोसेस है ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो जब भी कभी वेस्कुलर इंजरी होती है तो साथ में टिश्यू इंजरी भी होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के ऊपर जो टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज होते हैं। तो जब वो डैमेज होते हैं तो टिश्यू फैक्टर निकलता है। तो जब ये टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है तो एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, क्योंकि टिश्यू जो है वो एक बाहर की चीज़ है, इसलिए हमने इसको एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म बोला है। ठीक है, ये दोनों ही मैकेनिज्म, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, दोनों ही मैकेनिज्म फैक्टर 10 के साथ
आके जुड़ते हैं और कॉमन पाथवे का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में नॉर्मली दोनों ही मैकेनिज्म काम करते हैं, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म भी और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म भी। तो जो पीटी टेस्ट होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है और जो एपीटीटी टेस्ट होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है। तो आज के लेक्चर में हम एपीटीटी टेस्ट को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपीटीटी टेस्ट हम किन किन कंडीशंस में करते हैं? एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एपीटीटी टेस्ट होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे को मेजर करता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट हेपेरिन की थेरेपी ले रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम एपीटीटी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग डिसऑर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हम एपीटीटी टेस्ट करते हैं। या फिर अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया ए या फिर हीमोफीलिया बी के सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो इसके लिए भी एपीटीटी टेस्ट किया जाता है। अगर हम एपीटीटी टेस्ट के प्रिंसिपल की बात करें तो इसके लिए लिक्विसिलिन रिएजेंट और कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। जो लिक्विसिलिन रिएजेंट होता है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक केओलिन और सेकंड फॉस्फोलिपिड्स। जो केओलिन होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है, एक तरीके से सरफेस एक्टिवेटर की तरह काम करता है। दूसरी तरफ जो फॉस्फोलिपिड होता है वो कोगुलेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है। दूसरी चीज़ हम कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं एपीटीटी टेस्ट के लिए वो हम ब्लू टॉप में कलेक्ट करते हैं जिसमें सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से जो कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर है उसको वो बाइंड कर देता है, एक तरीके से रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता उस ट्यूब में। तो अब हमें लैब में दोबारा से क्लॉट करना है उस प्लाज्मा को, और ब्लड को क्लॉट करने के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम अलग से कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। तो एपीटीटी के प्रिंसिपल में यही है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमें प्लाज्मा लेना है, उसमें हमें लिक्विसिलिन ऐड करना है और 5 मिनट्स की इंक्यूबेशन के बाद जब हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा कुछ सेकंड्स के बाद। बट अगर क्लॉट का फॉर्मेशन होने में नॉर्मल से ज़्यादा सेकंड्स लग रहे हैं तो इसका मतलब जो एपीटीटी है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, ठीक है? मतलब कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें कोई डिफेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि जो एपीटीटी टेस्ट होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है, जिसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स की जो इनर वॉल होती है जब वो इंजर्ड होती है तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। तो अब हम लैब में कैसे इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करके क्लॉट करते हैं ब्लड को? तो इसके लिए जो हम टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं वो ग्लास की टेस्ट ट्यूब होती है जिसपे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से भी जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है। ओके, तो अगर हम एपीटीटी टेस्ट के प्रोसीजर की बात करें तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ग्लास की टेस्ट ट्यूब। उसमें हमें 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा ऐड करना है और 100 माइक्रोलीटर एपीटीटी का जो रिएजेंट है यानी कि जो लिक्विसिलिन है वो ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद हमें उसे वाटर बाथ में या फिर इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करना है 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के इंक्यूबेशन के बाद हमें उसी टेस्ट ट्यूब में 100 माइक्रोलीटर कैल्शियम क्लोराइड ऐड करना है। जैसे ही हम 100 माइक्रोलीटर कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे ट्यूब में, वैसे ही हमें स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देनी है और फिर ट्यूब को हमें जेंटली मिक्स करना है। कुछ सेकंड्स के बाद आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा है वो एक जेल जैसा बन जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। जैसे ही वो क्लॉट होगा हमें स्टॉपवॉच को स्टॉप करना है और जितने सेकंड्स में वो स्टॉप हुआ है वो सेकंड्स हमें नोट करना है और वो होगा एपीटीटी की वैल्यू। एपीटीटी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 38 से 42 सेकंड्स तक होती है। कुछ कॉजेज़ हैं जिसमें एपीटीटी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। फर्स्ट है हेपारिन। अगर कोई पेशेंट हेपारिन की थेरेपी ले रहा है तो उस कंडीशन में भी एपीटीटी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जो हेपारिन एंटीकोगुलेंट होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर 10, क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 9 और क्लॉटिंग फैक्टर 12 के फंक्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एपीटीटी की वैल्यू बढ़ जाती है। सेकंड, अगर किसी को हीमोफीलिया ए या फिर हीमोफीलिया बी है तो उस कंडीशन में भी एपीटीटी की वैल्यू प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। थोड़ी सी भी आपको कहीं पर भी इंजरी होगी तो खून निकलना जो है वो शुरू हो जाएगा और ईजिली स्टॉप नहीं होगा। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। मेनली ये दो तरीके के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। अगर किसी की बॉडी में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो उसको हीमोफीलिया ए होगा,
और अगर किसी की बॉडी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है तो उसको हीमोफीलिया बी होगा। तो हीमोफीलिया ए और बी की कंडीशन में भी APTT प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। थर्ड, अगर किसी को वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ है तो ऐसी कंडीशन में भी APTT प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि जो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर होता है वो फैक्टर 8 के डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है और फैक्टर 8 की हाफ लाइफ को भी बढ़ाता है। तो अगर किसी की बॉडी में VWF फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर उसकी क्वालिटी में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो ऐसे में APTT जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। फोर्थ है फॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडी। हमारी बॉडी में जो कॉगुलेशन का प्रोसेस है उसमें फॉस्फोलिपिड्स का बहुत ही मेन रोल होता है, तो अगर फॉस्फोलिपिड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है तो ऐसे में भी कॉगुलेशन पाथवे का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो फॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडीज़ की वजह से भी APTT प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने APTT टेस्ट को कवर किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।